आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 10 मार्च के बाद नजीर बन जाएगा। ये कहते हुए यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, इस वक्त की बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, बड़ा बयान ब्रजेश पाठक का, कहा है इस मामले को लेकर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 10 मार्च के बाद नजीर बन जाएगा। ये यूपी के कानून मंत्री की तरफ से कहा गया। समाजवादी पार्टी का चरित्र इसी प्रकार का रहा है, वो लगातार जरायम में, गैर कानूनी कामों में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने में, अब हत्या अपहरण लूट बलात्कार में लोग आरोपित रहे हैं और ऐसे लोगों को ही प्रश्रय समाजवादी पार्टी देती रही है और कहीं न कहीं जो भी घटना होती कहीं न कहीं बिहाइंड द कर्टन सपा का ही हाथ होता है। क्योंकि आजमगढ़ चर्चा में संजरपुर अभी समाप्त नहीं हुआ था, शराब का ठेका आ गया, उसमें भी रमाकांत यादव का रोल, सपा प्रत्याशी भी बना। आजमगढ़ में इस प्रकार की घटना इसलिए होती कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कानून हाथ में लेते हैं। जब 10 मार्च के बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों के नेटवर्क को हम ध्वस्त करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और हमेशा बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, जहां भी शराब का मामला आया या अपराध का मामला आया, तो इसमें भी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? ठीक से कार्रवाई होगी। 10 मार्च के बाद हम लोग जैसे ही शपथ लेंगे उसके बाद ऐसी कार्रवाई करेंगे, लोगों के लिए लेसन होगा। अजीत, आपने बात की यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से और उन्होंने तो देखिए इस मामले को लेकर साफ कर दिया है कि कार्रवाई तो ऐसी होगी कि 10 मार्च के बाद नजीर बन जाएगा। अजीत, देखिए बिल्कुल कानून मंत्री का सीधे तौर पर यही कहना था कि हम कानून मंत्री जरूर हैं लेकिन इस वक्त निर्वाचन आयोग के हाथ में सब कुछ है, तो हमने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, गैंगस्टर लगाया जाए, रास्का लगाया जाए, लेकिन जैसे ही हम सरकार में दोबारा वापस आएंगे ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी। और हमने पहले भी कार्रवाई की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब भी कोई ऐसा मामला होता तो समाजवादी पार्टी का कनेक्शन निकलकर सामने आ जाता, चाहे आतंक का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, कहीं भी जब गुंडागर्दी होती है तो उनका यह चरित्र और इसको लेकर हम गंभीर हैं। ठीक है अजीत, आपको रुकना चाहूंगी।